सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को विद प्रकाश बिनवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अपडेट लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए जो चाइना में पढ़ते हैं या जिन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन चाइना में करवाया है या करवाने का प्लान कर रहे हैं। इस अपडेट में हम तीन कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। X1 जो कि स्टूडेंट वीज़ा है, S1 और S2 जो अकंपनी करेंगे उनके लिए वीज़ा की कैटेगरी है। आप सभी अपॉइंटमेंट के लिए काफ़ी परेशान हैं, आपको जैसे काफ़ी बार बताया जा रहा है कि नवंबर दिसंबर तक भी आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली में VFS ने 9 बजे से लेकर 2 बजे तक के लिए हर मंडे को एक एक्स्ट्रा टाइम का स्लॉट्स ओपन किया है। इस स्लॉट में सिर्फ आप स्टूडेंट को ही जाना है या उनके साथ जो पेरेंट्स जाना चाहते हैं जिनको S1 S2 वीज़ा अप्लाई करना है उनको ही जाना है। आप विदाउट अपॉइंटमेंट के अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, आप अपनी बायोमेट्रिक की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मंडे सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक हर वीक में। इसके अलावा ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक कभी कोई अपडेट नहीं है। यदि कोई एक्स्ट्रा आवर्स वापस से ओपन किए जाते हैं और कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम उन सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो स्टूडेंट ऑलरेडी एक बार चाइना जाकर आ चुके हैं, जिनको पहले एक बार JW202 आ चुका है और जो विजिट कर चुके हैं हमें वीज़ा लगवाने के बाद। उन स्टूडेंट्स को ओरिजिनल NOC की रिक्वायरमेंट है या कैंपस रिटर्न सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है जो ओरिजिनल चाहिए। यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं होगा तो VFS का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने 2020 सेशन में, 2021 सेशन में, 2022 सेशन में एडमिशन लिया है उनको वीज़ा के लिए एडमिशन लेटर की कॉपी और JW202 ये दोनों की हार्ड कॉपी चाहिए। और आप सभी के जो JW आए हैं उसमें एक रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन दी जाती है यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करने की, वो ऑलमोस्ट 2020 और 21 सेशन के स्टूडेंट्स की ऑलरेडी डेट निकल चुकी होगी। उसके लिए आपको एक यूनिवर्सिटी से एक्सटेंशन लेटर मंगवाना पड़ेगा, उसकी भी ओरिजिनल कॉपी ही हमें सबमिट करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर VFS आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा। हालांकि अभी तक जो एक्सटेंशन लेटर थे ये लास्ट ईयर 2019 तक की हम बात करें तो ऑनलाइन जो आते थे या जो कॉपी होती थी उससे काम चल जाता था, लेकिन अभी इनको ओरिजिनल चाहिए। इन केस फ्यूचर में यदि NOC एक्सटेंशन लेटर कोई भी सॉफ्ट कॉपी मांगने का कोई अपडेट आता है और इनको ओरिजिनल NOC की रिक्वायरमेंट नहीं आती, ऐसा कोई नोटिफिकेशन यदि हमारे संज्ञान में आएगा तो ऑब्वियसली हम आपको हमारे वीडियोस के जरिए अपडेट करने की कोशिश करेंगे। प्लस आप सभी स्टूडेंट को हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो स्टूडेंट दिल्ली से हैं या गुड़गांव से जो नियर बाई में हैं NCR के आसपास हैं उन स्टूडेंट्स को पहले कोशिश करनी चाहिए ये अप्लाई करने के लिए। इन केस कोई रिजेक्शंस आते हैं तो आप अपने अदर कलीग्स को बता सकते हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों से दिल्ली ट्रैवल करेंगे, उनको एक सहूलियत हो जाएगी कि इन केस कोई डॉक्यूमेंट की कमी है तो वो अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके अपॉइंटमेंट की डेट के दिन आ सकते हैं या फिर मंडे को 9 to 2 के स्लॉट में वो सभी स्टूडेंट भी आ सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं बताना नहीं भूलिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, हमें खुशी होगी आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने में। धन्यवाद।